नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे सीएसआई नेट जून 2019 में से। एग्जांपल नंबर 44, बुकलेट सी, मार्क्स 3। लेट एक्स स्टार टी बी द कर्व व्हिच मिनिमाइज द फंक्शनल जे एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स डॉट स्क्वायर टी dt satisfying x of 0 is equal to 0, x of 1 equal to 1, then the value of x star 1 by 2 is, हमारे पास 4 option available है। पहला option root e divided by 1 plus e, second option 2 root e divided by 1 plus e, third option root e divided by 1 plus 2e और fourth option 2 root e divided by 1 plus 2e। ये फंक्शनल जी एक्स के इंटीग्रांड को लांगराज फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लांगराज फंक्शन, लांगराज ऑफ टी एक्स, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स डॉट स्क्वायर डी टी। हमें एक्स स्टार टी फाइंड करना है जो फंक्शनल को मिनिमाइज कर रहा है, तो उसके लिए हमें लांगराज इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो लांगराज इक्वेशन डेल एल बाय डेल एक्स माइनस डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल एक्स डॉट इक्वल टू जीरो। पार्शियल डेरिवेटिव एल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू आएगी 2x एंड पार्शियल डेरिवेटिव एल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश की वैल्यू आएगी 2x डैश इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव ऑफ 2x डैश विथ रिस्पेक्ट टू टी 2x डबल डॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x डबल डॉट माइनस x इक्वल टू जीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर मिलेंगे m माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल टू जीरो। सो m 1 इक्वल टू 1 एंड m 2 इक्वल टू माइनस 1। तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा x of t equal to c1 e power m1t plus c2 e power m2t, m1 equal to 1, m2 equal to minus 1, तो solution आएगा c1 e power t plus c2 e power minus t। यहाँ c1 और c2 arbitrary constant है और उसकी value find करने के लिए हमें दिया है x of 0 is equal to 0, x of 1 equal to 1। तो पहली condition का use करेंगे x of 0 is equal to 0, so 0 is equal to c1 e power 0 plus c2 e power 0, so c1 plus c2 equal to 0, पहला equation मिला। दूसरे equation के लिए हम use करेंगे x of 1 equal to 1, तो 1 equal to c1 e power 1 plus c2 e power minus 1। तो हमारे पास दो equation आए, इस दो equation को solve करेंगे तो हमें c1 और c2 की value मिल जाएगी और वो वैल्यू है c1 इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस e पावर माइनस 1 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय e माइनस e पावर माइनस 1। इन दोनों की वैल्यू x में रखेंगे तो हमें मिलेगा xt इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय e माइनस e पावर माइनस 1 इनटू e पावर t माइनस 1 अपॉन e माइनस e पावर माइनस 1 e पावर माइनस t। इसका फाइनल फॉर्म आएगा 1 डिवाइड बाय e माइनस e पावर माइनस 1 e पावर t माइनस e पावर माइनस t। अभी हमें फाइंड करनी है वैल्यू x स्टार 1 बाय 2, सो t इक्वल टू 1 बाय 2 लेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाय e माइनस e पावर माइनस 1 e पावर 1 बाय 2 माइनस e पावर माइनस 1 बाय 2। e power minus 1 equal to 1 upon e and e power minus 1 by 2 equal to 1 upon e power 1 by 2, तो रखने के बाद हमें मिलेगा e divided by square minus 1 e minus 1 divided by e power 1 by 2। e divided by e power 1 by 2 का आंसर आ जाएगा e power 1 by 2 numerator में और square minus 1 के दो फैक्टर बनेंगे e minus 1 e plus 1। e माइनस 1 कैंसिल विद द e माइनस 1 तो हमारे पास रहेगा रूट e डिवाइड बाय
ई प्लस वन, जो हमारा फर्स्ट आंसर है। तो इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, रूट ई डिवाइड बाय वन प्लस ई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ऑफ नेक्स्ट जेन मैथ्स।